हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ रबर प्लांट की केयर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट होता है एंड ये जो है अब आपको और भी वैरायटीज़ में मिलता है, जैसे कि ये वैरायटी एंड वेरीगेटेड वैरायटी है जो आपने देखा भी होगा। ये जो है थोड़ी शेडेड वाली प्लेस पे रहना पसंद करता है अगर आप इसको आउटडोर्स रखते हैं तो, बट ये बेस्ट तो इंडोर में ही चलता है। तो आई प्रेफर कि आप इसको इंडोर रखिए। इंडोर बहुत अच्छा प्लांट है, ये विंडो के पास इसको रख सकते हैं एंड थोड़े डार्क सी जगह पे भी ये चल जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो सॉइल होती है उसको आपको हमेशा ड्राई रखना है, याद रखिए, क्योंकि जो है ये ओवर वाटरिंग प्लांट जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जो है ख़राब हो जाता है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो इसको आप ओवर वाटरिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रपोगेशन की बात करें ना तो फ्रेंड्स, ये प्लांट इतना ईजी टू प्रपोगेट होता है, आप इसकी एक लीफ लेकर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रपोगेशन होता है इस प्लांट का एंड कटिंग से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मिक्स आप इसका थोड़ा सा ड्रेनेज वाला बनाइए, जैसे फर्टाइल सॉइल मिक्स बनाइए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपको लगा रहे हैं तो एक बार अच्छा सा फर्टिलाइज सॉइल मिक्स बनाकर आप इसको लगा दीजिए, ये उसमें आराम से ग्रो होता रहेगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो प्लांट है ये ज़्यादातर दो कारणों की वजह से जो है इसका जो ग्रोथ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि होती है ओवर वाटरिंग एंड ओवर फर्टिलाइजिंग। इस प्लांट को फर्टिलाइजिंग बहुत ओवर परसेंट नहीं होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो नॉर्मली जैसे आप और प्लांट्स को देते हैं वैसे दे सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं इसकी लीफ जो होती है थोड़ी गर्मियों में तो उस वजह से थोड़ी लाइट कलर हो जाती है, जैसे ये न्यू लीफ है, इसका कलर आप देख रहे हो कितना अच्छा है। तो उस पर आप मिस्टिंग करते रहिए तो अच्छा है। जो अगर आप मिस्टिंग कर रहे हैं उसमें आप एनपीके मिला सकते हैं, मंथ में एक बार 1 स्पून 1 लीटर में 1 स्पून एनपीके बना के इसकी मिस्टिंग कर दीजिए एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो होता रहेगा। ये प्लांट जो है बड़ा भी हो जाता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एंड ये स्लो ग्रोथ प्लांट होता है तो ये इतनी जल्दी डिवाइड नहीं होता। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।